पता है ये जो आजमाइशें होती हैं ना, ये होती ही तब तक हैं जब तक तुम सब्र करना नहीं सीख जाते। और अल्लाह आजमाइश हमेशा बर्दाश्त के मुताबिक रखता है। वो जानता है किसको कब और क्या देना है। वो अपने फैसलों में ज़रा सी भी जल्दी और देर नहीं करता, वरना अल्लाह आजमाइश तो बहुत मुख्तसर सी रखता है। जिसने समेट रखे हैं ये दोनों जहान अपने अंदर, उसको मालूम है कब कुन कहकर तुम्हारे दिल को भी समेट लेना है। इससे ज़्यादा मोहब्बत करने का दावा कोई भी नहीं कर सकता। फिर जरा सी देरी को उसका इनकार समझकर तुमने मांगना क्यों छोड़ दिया है? दुआएं तो वही कबूल होती हैं जो सब्र से बार बार मांगी जाती हैं। जिनका जवाब अब तक नहीं आया वो अल्लाह के पास तुम्हारी इमानत महफूज है। डरो नहीं, ये आजमाइश तो तुम्हें अल्लाह तक ले जाने के लिए एक मुख्तसर सा वक्फा है, वरना जो तुम सह ना पाओ अल्लाह वो बोझ कभी नहीं डालता तुम पे। उसको मालूम है तुम्हें बड़ी शिद्दत से है अपनी दुआओं पर इंतजार कुन। उसको बाखूबी इलम है इख्तिताम में तुम्हें मायूस नहीं लौटाना है। सब्र रखो, इस आजमाइश के साथ ही तुम्हारी दुआओं का पूरा होना लिखा है। साबिरों का सब्र वो हरगिज़ ज़ाया नहीं करता, बस ये याद रखना।